नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 47 मीडिया में। मैं साक्षी सिंह और आज हम एक हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है ब्लैक विडो। इस मूवी की कहानी आज से 26 साल पीछे 1995 में शुरू होती है। नताशा एक नॉर्मल फैमिली में अपने मम्मी पापा और छोटी बहन येलिना के साथ सुख शांति की जिंदगी जीती है। फिर आता है एक दिन कि नताशा के मम्मी पापा असली नहीं हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। असलियत में ये दोनों एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट होते हैं, रेड रूम। यहाँ पर दिमाग को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई होती है। किसी भी इंसान को कोई दूसरा इंसान अपने इशारों पर नचा सकता है। डेडली ह्यूमन वेपन्स को बनाया जाता है। ऐसी लड़कियों को चुना जाता है जो जेनेटिकली सुपीरियर होती हैं, जो बचपन से ही दूसरे लोगों से अलग होती हैं, और यहाँ इन्हें इंसानों को कैसे मारा जाए सिखाया जाता है। और इन लड़कियों में नताशा और येलिना को भी चुना गया था। फिर कहानी 21 साल आगे बढ़ती है, जहाँ अब नताशा ब्लैक विडो बन चुकी है, एवेंजर्स की टीम का हिस्सा। और टाइमलाइन के हिसाब से सिविल वॉर छिड़ चुका है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच। लेकिन इस कहानी का फोकस इस तरफ नहीं, बल्कि नताशा की पर्सनल लाइफ की तरफ है, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100-200 नकली लोगों की जिंदगी जी रही है। जी हाँ, नताशा फेक आइडेंटिटीज बनाने में एक्सपर्ट होती है। फिर अचानक इनकी लाइफ में एंट्री होती है टास्क मास्टर की, जो कि MCU के खतरनाक विलेन होते हैं, जो इंसानों की तरह फीलिंग्स पर नहीं बल्कि मशीन की तरह जिंदगी को मिशन की तरह जीते हैं। सिर्फ पास, फेल होना इनकी डिक्शनरी में नहीं होता है। अब यहाँ होती है बहुत खतरनाक लड़ाई, जिससे मिलता है एक सीक्रेट जो सीधा नताशा को उसके बचपन की यादों में वापस ले जाता है, अपनी बहन येलिना के पास। अब दोनों बहनों में बनती नहीं है, जिसका कारण वही पुराना नकली बहन वाला रिश्ता। जिस दिन नताशा खुद को आज़ाद करके भाग गई, बेचारी येलिना को किसी और के इशारों पर नाचने के लिए छोड़कर। लेकिन फिलहाल ये सब छोड़कर दोनों बहनें कॉमन मिशन पर निकल चुकी हैं, जिससे कि इनकी तरह किसी और को ये सब सहना ना पड़े। अब रेड रूम पर ताला लगाना इनका मिशन बन गया था, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब चाहे रास्ते में इनके नकली माँ बाप भी क्यों ना आए, या फिर टास्क मास्टर से जिंदगी और मौत की लड़ाई ही लड़नी पड़े, नताशा एवेंजर्स होने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगी। ब्लैक विडो कोई सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये फिल्म एक नॉर्मल एक्शन थ्रिलर फिल्म की कैटेगरी में देखी जा सकती है, मिशन इम्पॉसिबल मूवी की तरह। इस मूवी में ऐसा कोई एक्शन सीन नहीं है और स्टंट्स भी उस लेवल के नहीं हैं जिनको देखकर आप हैरान हो जाओ। उसका रीज़न ये है कि 50% से ज़्यादा फिल्म बातचीत में ही निकल जाती है। फैमिली ड्रामा बहुत है इस फिल्म में, पर इतना सब होने के बाद भी ये फिल्म इमोशनल नहीं है। और इस फिल्म का विलन बिल्कुल भी मज़ेदार और ताकतवर भी नहीं है, जबकि मार्वल कॉमिक्स में टास्क मास्टर एक काफ़ी एक्साइटिंग कैरेक्टर है, लेकिन फिल्म में उसको बिल्कुल भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है। एवेंजर एंड गेम स्पेशल इसलिए थी क्योंकि उसमें थैनोस जैसा विलन था, वो जिसको देखकर आप इमोशंस फील करते थे। लेकिन ब्लैक विडो में ये विलन वाली थ्योरी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इस मूवी में एक बुराई ये भी है कि फिल्म का नाम ब्लैक विडो है, जबकि सारा फोकस येलिना पर डाल दिया है। नताशा तो ऐसी लग रही है कि जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रही हो, जबकि व्यूअर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि जोकर मूवी जैसे कुछ ट्रेजरी वाला फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, जब दो बहनों का मिलाव होगा इतने सालों बाद। लेकिन मार्वल की इस फिल्म में सब कुछ एकदम फ्लैट है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई अप्स और ना कोई डाउन्स है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल फिल्म की डायरेक्टर पर होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग MCU कैरेक्टर जिससे लोग
इमोशनली कनेक्टेड थे और एक कमबैक का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म के बीच में कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर का जिक्र भी किया गया है, जो आपको सिविल वॉर की यादों में वापस पहुंचा देगा। स्पेशली पोस्ट क्रेडिट में डाले गए सीन्स के बाद आप इस फिल्म को एक थ्रिलर फिल्म की तरह देख सकते हो, जो नेक्स्ट मार्वल फेस की तरफ ले जाएगा ऑडियंस को। बस इससे ज़्यादा इस फिल्म का और कोई काम नहीं है। मैं इस फिल्म को 3 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि ये एक फिल्म नॉर्मल फिल्म की तरह है, फैमिली ड्रामा के साथ। मार्वल्स की फिल्म के कंपैरिजन में इस फिल्म का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इसको कितनी रेटिंग दोगे। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।